स्टार्ट। ओके, मनी सप्लाई की बात करते हैं। मनी सप्लाई का मतलब होता है कितना पैसा, मनी सप्लाई का मतलब होता है कितना पैसा हाउसहोल्ड और फर्म के पास इन टोटल पड़ा है, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। मतलब कि कितना पैसा हाउसहोल्ड और फर्म का इन हैंड उनके पास पड़ा है और कितना पैसा उनके बैंक में पड़ा है। उन दोनों को जब आप मर्ज कर देते हो तो उसके बाद जो आउटकम निकलता है उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई का मतलब होता है कितना पैसा हाउसहोल्ड और फर्म के पास इन हैंड पड़ा है और कितना पैसा उनका जो है वो बैंक में पड़ा है। दोनों का जो समेशन हो जाता है तो उसे मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब हाउसहोल्ड एंड फर्म है। पब्लिक का मतलब क्या है? हाउसहोल्ड एंड फर्म। फीचर्स क्या है मनी सप्लाई के? इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। पब्लिक का मतलब क्या है? हाउसहोल्ड एंड फर्म। इसमें गवर्नमेंट एंड नहीं, इसमें गवर्नमेंट और बैंक नहीं है, ठीक है? इसमें गवर्नमेंट और बैंक नहीं आता, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट और बैंक के पास जो पैसा पड़ा होता है वो हाउस होल्ड और फर्म का ही पड़ा होता है, ठीक है? और उन्हीं पैसों से वो चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूज इन सेक्टर दैट इज इंडिविजुअल एंड बिजनेस फॉर्म। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर और प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ मनी दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम एज कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इन टू एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री, ठीक है? तो फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। पब्लिक का मतलब क्या है? हाउस होल्ड एंड फर्म। और दूसरा क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर होता है। दूसरा क्या है? ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर होता है। दूसरा क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर होता है। दूसरा क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर होता है। तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। टीचर्स क्या है मनी सप्लाई के? मनी सप्लाई हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। पब्लिक का मतलब क्या है? हाउसहोल्ड एंड फर्म। पब्लिक को क्यों लिया है? क्योंकि यही होते हैं जो मनी यूजिंग सेक्टर्स होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? बस प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कुछ यूज नहीं कर रहे होते। और एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? अब कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करते हैं। सबसे पहला कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में सबसे पहला कॉम्पोनेंट है करेंसी विद पब्लिक। करेंसी विद पब्लिक का मतलब मतलब क्या है? कितना पैसा हाउस होल्ड और फर्म के पास इन हैंड पड़ा है उसे हम कहते हैं करेंसी विद पब्लिक। कितना पैसा हाउस होल्ड और फर्म के पास इन हैंड पड़ा है उसे हम कहते हैं करेंसी विद पब्लिक। इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइंस हेल्ड बाय पब्लिक। इट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स। इंक्लूड कॉइंस ऑफ डिनोमिनेशन 10, 5, 2, 1 एक्सेट्रा एंड पेपर नोट ऑफ डिनोमिनेशन लाइक 2,500, 200, 100 एक्सेट्रा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिएट मनी। फिएट मनी की डेफिनेशन लिख लेना। फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। जिसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि मनी का काम करेगा वो फिएट मनी है। फिएट मनी आता ही आता है पहले यूटी में, ठीक है? दैट इज अंडर लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स। तो फिएट मनी का मतलब क्या है? जिसे लॉ ने कह दिया कि मनी है उसे हम फिएट मनी कहेंगे। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी as it is legally used to make payment of debt or other obligation. तो करेंसी विद पब्लिक का मतलब क्या है? कितना पैसा पब्लिक के पास इन हैंड पड़ा है। और पब्लिक का मतलब क्या है? हाउस होल्ड और फर्म। कितना पैसा हाउस होल्ड और फर्म के पास इन हैंड पड़ा है उसे कहते हैं करेंसी विद पब्लिक। फिएट मनी का मतलब क्या है? जिसे लॉ ने कह दिया है कि मनी का काम करेगा उसे हम फिएट मनी कहते हैं। जिसे लॉ ने कह दिया है वो मनी का काम करेगा उसे हम कहते हैं फिएट मनी। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक का मतलब क्या है? जो पैसा पब्लिक का बैंक में पड़ा है उसे हम डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कहते हैं। अब देखो, ये जो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक है दो तरीके के होते हैं। एक ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट होता है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट का मतलब है मान लो 20 लाख। अब ये 20 लाख का एलोकेशन ये है कि 15 लाख जो है वो पब्लिक का है, 2.5 लाख जो है वो HDFC बैंक का है। मतलब मान लो ये बैंक जो है वो एक्सिस बैंक, और 2.5 लाख जो है
वो मान लो SBI बैंक है, ठीक है, जब ग्रॉस की बात करेंगे तो 20 लाख है, और जब नेट की बात करेंगे तो कितना है, 15 लाख। तो ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है मनी सप्लाई में, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होता। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें बैंक्स भी इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है। तो ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होता। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होता। तो इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट और बैंक मनी ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक एट द टाइम ऑफ द अकाउंट होल्डर। अ डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी हेल्ड एज इट इज रेडिली एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ पेमेंट। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड। इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन ऑन द नेट बेसिस, दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। मतलब एक बैंक ने अगर दूसरे बैंक में पैसा डाल रखा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। इंटर बैंक डिपॉजिट आर द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक। सच डिपॉजिट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एज दे डू नॉट बिलोंग टू द पब्लिक। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड इंटर बैंक डिपॉजिट और इंटर बैंकिंग क्लेम, वाइल नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूडेड। इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन एज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, इसे एक बार रीड कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत इसमें? तो ओनली डैश डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। नेट डिमांड, ठीक है, क्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, क्या होते हैं? जब एक बैंक ने दूसरे जो डिपॉजिट रखा होता है उसे कहते हैं क्रॉस डिमांड, ठीक है। बस वही अमाउंट ही कहलाता है, पूरा टोटल अमाउंट कहलाता है ग्रॉस। और जब उसमें से हम इंटर बैंक डिपॉजिट्स को हटा देते हैं तब वो नेट हो जाता है। टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं? जैसे आरडी होता है और एफडी होता है। आरडी और एफडी, अब एक बार समझ लेना आरडी और एफडी क्या होते हैं। देखो आरडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब मान लो कि तुम एक सैलरी एम्प्लॉयड हो जिसकी सैलरी जो है वो 1 लाख है। अब तुमसे सेविंग नहीं होती, तुम बैंक गए और तुमने अपनी प्रॉब्लम बताई। बैंक ने कहा सर आप ना एक काम करवाए आरडी खुलवा ले, आपके जब भी सैलरी आएगी आप उसमें से 20,000 हम काट लेंगे। आप ये बताएं कि कितने साल तक हम काटे, तो 3 साल तक बैंक काट लेगा, ठीक है। हर साल वो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे आपका इंटरेस्ट देता रहेगा और आपकी सेविंग भी होती रहेगी, तो उसे हम कहते हैं आरडी, ठीक है। इसे टाइम डिपॉजिट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ऐसा चलता रहेगा, रिकरिंग 3 साल तक रिकरिंग बेसिस पे हर महीना आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा। एक होता है एफडी, एफडी बिजनेसमैन के लिए ही होता है, ठीक है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, आप एक बिजनेसमैन हो जिसको पेमेंट जो है वो लमसम में आता है। लमसम मतलब एक साल, मतलब मान लो आपको 10 लाख की पेमेंट आई, फिर आपको 20 लाख की पेमेंट आई। अब आपको क्या है कि ये 10 लाख 20 लाख की पेमेंट आ रही है, आपको यूज बस 2 लाख का है, इसमें आपको यूज बस 4 लाख का है, तो जो आपके 16 लाख इसमें वो आइडल पड़े रहेंगे जिसका कोई यूज नहीं है, और इसमें 8 लाख जो है वो आइडल पड़े होंगे। तो आप क्या करोगे, बैंक को ये प्रॉब्लम बताओगे, बैंक बोलेगा सर आप एफडी खुलवा लो 8 लाख की, कि आपको ये कितने साल तक जरूरत नहीं है इस पैसे की। तुमने कहा ये 5 साल तक मुझे जरूरत नहीं, तुमने 5 साल उस पैसे को लॉक इन करवा लिया, ठीक है, और इस पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है एक्युमुलेटेड अमाउंट हर महीने होता जाएगा, 20,000 फिर 40,000 फिर 60,000, तो ऐसे मिलेगा। यहाँ पर तो बैंक के पास एक साथ ही पैसा आ गया, तो बैंक इस पे ज्यादा इंटरेस्ट देता है, ठीक है।
तो वाइल कैलकुलेटिंग M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, हाँ तो मनी के जो मेजरमेंट है ना वो चार में डिवाइडेड है, M1, M2, M3, M4, ठीक है, M1, M2, M3, M4, ठीक है। जो RBI कैलकुलेट करता है मनी सप्लाई, उसने चार कैटेगराइज कर रखी है, M1, M2, M3, M4, और हम हर M1, M2, M3, M4 में, M1 में अलग कंपोनेंट है, M2 में M1 भी और एक और कंपोनेंट है, M3 में अलग कंपोनेंट है, M4 में अलग कंपोनेंट है, ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेशन आया कैसे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ना बैंक अकाउंट खुलवाना इजी है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना इजी है, आपकी बस शक्ल की फोटो ली जाती, ठीक है, और बस आपका आधार कार्ड देखा जाता है। वही अगर एक बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाना है ना, तो वहां पर बहुत दिक्कतें आती है। वो दिक्कतें क्या है, आपको एक इंट्रोड्यूसर चाहिए, ठीक है, आपका एक परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, वरना आपका एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट खुलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, वाइल कैलकुलेटिंग M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ओनली डिमांड डिपोजिट आर कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड नॉट द टर्म डिपोजिट। तो डिमांड डिपोजिट का मतलब क्या है, सेविंग अकाउंट डिपोजिट प्लस करेंट अकाउंट डिपोजिट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिमांड डिपोजिट का फॉर्मूला बताओ, तो डिमांड डिपोजिट इक्वल टू सेविंग अकाउंट डिपोजिट प्लस करेंट अकाउंट डिपोजिट। लिखना चाहते हो तो लिख सकते, समझ गए, डन। देर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी एज दे कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर कैरिंग आउट द ट्रांजेक्शन एट विल। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, अब ये ध्यान से सुनना, टिल 1967 टू 68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वो नैरो मेजरमेंट, नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई ले रहा था। अब लिखो जरा, नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई इक्वल टू M1 एंड M2। नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 एंड M2 था, ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई M3 एंड M4 है। ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई M3 एंड M4 और नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 एंड M2। नैरो M1 एंड M2, ब्रॉडर M3 M4। नैरो M1 M2, ब्रॉडर M3 M4। M1, it is the first and basic measure of money supply. M1 is the most liquid measure of money supply and all its components are usually used as a medium of exchange. अब M1 में आता क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जिसका मीनिंग तुम्हें पता है, डिमांड डिपोजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसका मीनिंग तुम्हें पता है, डिमांड डिपोजिट का मतलब क्या है, सेविंग अकाउंट डिपोजिट और करेंट अकाउंट डिपोजिट। करेंट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन खुलवाते हैं और सेविंग अकाउंट जो है हाउस होल्ड खुलवाता है। अदर डिपॉजिटर्स आरबीआई नया है, अदर डिपॉजिटर्स आरबीआई जो है वो M1 का बहुत स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। अदर डिपॉजिटर्स आरबीआई इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, इट कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ M1, so it does not have any significant role to play in the monetary policy formulation, जो in future तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। अभी M1 बस ये लिख लो जरा, M1 में क्या क्या आता है, M1 equal to currency and quantity। M2 थोड़ा ब्रॉडर होता है एज कंपेयर टू M1, ठीक है। M1 को ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं, ठीक है,
क्योंकि सारे जो होते हैं वो ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए यूज हो सकते हैं. अब M2 लिख लो, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है. और पोस्ट ऑफिस में ना सामने वाले बंदे को जाना होता है अगर विड्रॉ करना होता है, इसमें चेक फैसिलिटी नहीं मिलती, पोस्ट ऑफिस में चेक फैसिलिटी नहीं मिलती. फिर M3 लिख लो, ये लो यहां से टेबल होती है, लिख लिया सबने. हाँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है इसलिए इसे एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की चीजों को तो नहीं लेते. लिख लिया ये सारा? नहीं, आरडीएफडी. अच्छा, टाइम डिपॉजिट्स आ गया ना, नेट मतलब कि टीडीएस भी कट जाता है ना इसमें, टैक्स डिडक्टेबल से टैक्सेस वैक्सेस कटने के बाद मिलता है. ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेना, ठीक है. द फोर मेजर ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी. M1 जो होता है वो मोस्ट लिक्विड होता है, और M4 जो होता है वो लीस्ट लिक्विड होता है. M3 जो होता है वो वाइडली यूज ऑफ मेजर ऑफ मनी सप्लाई होता है, क्योंकि इंसान कमाता है तो कुछ सेव करता है और कुछ खर्च करता है. तो इसे एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं. M1 और M2 नैरो मनी सप्लाई है, और M3 M4 जो है वो ब्रॉड मनी सप्लाई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डेटा रिलीज करता है हर साल. अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे ना, M1 निकालना है तो M1 का जितने भी कंपोनेंट्स है उनको ऐड कर दिया, M2 निकालना है, M2 में M1 आता है. लिख लिया आपने? जल्दी जल्दी जल्दी. लिख लिया? चलो अभी लिख लेना, ठीक है. पहले ये समझ लो, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी.
जब हम मनी में रिजर्व्स भी इंक्लूड कर देते हैं जो बैंक्स बिल्डअप करते हैं, तो उसे हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। अब हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है? हाई पावर्ड मनी इज द मनी प्रोड्यूस बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक। मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। व्हाइल हाई पावर्ड मनी क्या करता है? करेंसी एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक। इट मींस करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। द ओनली डिफरेंस इज दैट मनी इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, व्हाइल हाई पावर मनी इंक्लूड कैश रिजर्व्स विद द बैंक। मतलब जब हम रिजर्व्स को इंक्लूड कर देते हैं ना करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक में, तो उसमें क्या आ जाता है? फिर उसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं। ठीक है, तो हाई पावर्ड मनी में क्या होता है? रिजर्व्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, अब ये लिखो जरा डेफिनेशन ऑफ मनी। बस ये जो चार नाम लिखे हैं, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। लिख दिया आपने? डन, लिख लिया ना? लिख लिया। चलो अब ध्यान से सुनना, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी तो हमने पढ़ लिया, अब आता है आपका फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मनी रेफर्स टू एनीथिंग दैट परफॉर्म द फोर बेसिक फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इन अदर वर्ड्स, क्रोटर या जो भी लिखा है, मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग which is generally acceptable as a medium of exchange and at the same time act as a measure and store of value. Okay, ab liquidity point of view se, liquidity point of view se do mein divide kar rakha hai, money or liquid form of money or nearer money. Money has the quality of general acceptability which makes it most liquid asset. By liquidity we mean speed and certainty with which an asset can be converted back into money. Coins, currency note, bank money are the most liquid form of money. ठीक है, मतलब जिसे easily cash में convert कर सकते हैं वो money और liquid form of money है। ठीक है, coins, currency, note, bank money, etc. Nearer money, जो money में money है लेकिन उसे convert करने में थोड़ा ज्यादा time लगेगा। It includes those financial assets, financial assets मतलब shares, debentures, which are not as liquid as coins and currency note but can be easily converted into money for paying debts. For example, national saving deposit, fixed deposit assets, bonds, etc. They are as money as, but are not legal, non-legal tender money. Near money cannot be used directly for the purchase of goods and services, but it can be converted into cash within a short span of time. So nearer money kya hota hai? Jo easily cash mein convert ho sakte hai, aur liquid money kya hota hai? Cash hi ho. Theek hai? उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता। समझ गए। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ स्कोप। कुछ लिखना तो नहीं है ना इसमें, अब आते हैं बेसिस ऑफ स्कोप। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, इट इंक्लूड ओनली दोज थिंग्स विच फंक्शन एज मनी। इट इंक्लूड करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपोजिट ऑफ बैंक एज दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस: medium of exchange, measure of value, standard of deferred payment, store of value. Broad definition of money, in addition to narrow money, it also include time deposit in bank and post office. जो आपने other deposit कर रखा है और जिसको आप easily withdraw नहीं कर सकते, time deposit are included as they have high degree of moneyness and can be converted into checkable deposit within a short span of time. Broad definition of money is money asset plus nearer money.
ठीक है कर लिया। हाँ जो सेविंग डिपोजिट, जो आपका आरडी एफडी है, जो आपका वैसे है वो तो आपका नियर एंड मिनिमम, क्योंकि एटीएम फैसिलिटी भी तो है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी नाम लिख लो जरा ही जल्दी से, क्या हुआ, क्या हंस क्यों रहे हो? क्या तुम थक गए? चलो नेक्स्ट, फुल बॉडीड मनी, एनी यूनिट ऑफ मनी। यूनिट ऑफ मनी का मतलब क्या है? रुपी, हुज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। मनी वैल्यू इक्वल टू कॉमोडिटी मनी, कॉमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, 1 rupee कॉइन वॉज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड इट्स वैल्यू वॉज सेम एज इट्स वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी। जैसे कि मान लो वो जो सिल्वर का कॉइन बनाया है उसको 1 rupee लगे और 1 rupee का खर्चा आया उसे बनाने में। फेस वैल्यू, इट रेफर्स टू द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द यूनिट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ 10 rupee इज इक्वल टू 10 rupees, रुपी नोट इज इक्वल टू 10 rupees। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ मेटल कंटेन्ड इन द यूनिट ऑफ मनी। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ सिल्वर कंटेन्ड इन अ सिल्वर कॉइन इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे कि मान लो 10 rupee का नोट है, उसे बनाने में खर्चा आया 1 rupee, लेकिन जो उसकी फेस वैल्यू है वो कितनी है? 10 rupee। और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 1 rupee। जब जनरल एक्सेप्टेबिलिटी चली जाएगी तो कितने में बिकेगा? 1 rupee। समझ गए? समझ गए? पहले ये लिखो जरा, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ, मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, पहले ये लिखो जरा। इंडिया हैज विटनेस्ड वेरियस मॉनेटरी स्टैंडर्ड इन इट्स मॉनेटरी हिस्ट्री। द प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय आरबीआई एंड इज नोन एज इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। इन इंडिया रुपी हैज बीन रिगार्डेड एज अ स्टैंडर्ड करेंसी एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड इन टर्म्स ऑफ रुपी। So the noteworthy points about monetary system in India are, in India the monetary authority is Reserve Bank of India, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। India follow paper currency standard, as currency followed in India made up of paper. Coins are limited legal tender money and can be used for making small payment, whereas paper note are unlimited legal tender and can be used for making payment of any amount. RBI has the sole monopoly to issue currency note of rupee 2 and above, ठीक है। Ministry of Finance issue 1 rupee का note and all the coins, ठीक है। तो coins कौन produce करता है? Ministry of Finance, ठीक है। और Ministry of Finance क्या क्या produce करता है? 1 rupee का note और all coins, 1 rupee का note और all coins। Hello, वैभव की छुट्टी हो जाएगी 6:30। हाउएवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुटिंग ऑल द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इनटू सर्कुलेशन रेस्ट विद आरबीआई। कितना सर्कुलेशन में रखना है और कितना नहीं रखना वो आरबीआई डिसाइड करेगा। इंडिया फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर नोट इश्यू। अंडर दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरन एक्सचेंज वर्थ रुपी 200 crore on the basis of RBI can issue any number of notes. मतलब अगर छाप रहा है तो 200 crore के गोल्ड या ये सब रखना पड़ेगा। मतलब जितने वो नोट छापेगा उसके इक्वलेंट उसके पास गोल्ड या कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स होने चाहिए, ठीक है। ये देख लो जरा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है?
लर्निंग आउटकम्स क्या है, वो एक रुपए का नोट और ऑल कॉइंस, ठीक है, एंड इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही अथॉरिटी है, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है, समझ गए, ठीक है, बाकी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पढ़ लेना, आगे यूपीएससी और इन सब में भी काम आता है, ठीक है। हाँ, अब बस एक वीडियो देखनी है तुम लोगों को, देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, हाँ, financial inclusion is defined as the ability and equality of opportunity to access financial services. जो गरीब लोग bank rent की facility नहीं ले पाते, ठीक है, या जिन्हें banking के बारे में पता नहीं चल पाता, government ने ये initiative निकाला है कि financial inclusion हो, अलग अलग initiative निकाले जाए जिससे कि वो भी लोग जो है वो circulation में आए, ठीक है, तो it refers to a process by which individual and businesses can access appropriate, affordable and timely financial product and services. Financial inclusion का मतलब पता चल गया, गरीब लोग भी banking facilities ले सकते, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है, चैप्टर तो ढंग से समझ आ गया ना, पूरा अच्छे से एक बार जाकर घर पे रीड कर लेना, नेक्स्ट क्लास में बैंकिंग भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आज की क्लास में क्या ड्रॉबैक होगी सारी चीजें, हाँ ड्रॉबैक और अच्छा क्या लगा बुरा क्या लगा वो नाम मत लिखना बस, ओके सिद्धार्थ बाय।